सिद्धांत के रूप में बात करूं मैं मेरी दृष्टि की, तो आत्मदृष्टि होने के कारण भौतिक शरीर के बंधन का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। फिर भी लोगों को एक उत्सुकता रहती है, शरीर के जन्म अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। शरीर के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि भारत देश खेत है और यह शरीर खाद है। उत्पत्ति स्थिति लय के सिद्धांत से देखें, जो उत्पन्न हुआ है वो कुछ दिन रहता है, फिर वो विलय को प्राप्त हो जाता है। तो इसी पानी माटी में से, भारत की पानी माटी में से शरीर निकला है और इसी में चल गया। वस्तुतः हम लोग चूंकि संन्यास मार्ग पर हैं, अद्वैतवादी हैं, तो इन बातों को उतना महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि मैं ऐसा हमेशा मानकर चलता हूं कि पानी से ज्यादा गाढ़ा खून होता है और जीन जो है खून में ही बसता है, संस्कार जिसको बोलते हैं। तो ज्यादा व्यवहारिक और मेरे तेरे में अपने को लगाकर देखने का अर्थ है जो कुल है उसको जूझ करना, जो महान है उसको छोटा बनाना। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा मेरा है और बाद बाकी दूसरे का है। तो एक तरफ से सब मेरा है, पूरा विश्व मेरा है, नहीं तो यह शरीर भी मेरा नहीं है। कोई रहस्य नहीं है, कोई रहस्य नहीं है।